हाय फ्रेंड्स, यूनिवर्सिटी स्टोर्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ मिलते हैं आपको पूर्णिया यूनिवर्सिटी, भूपेन्द्र यूनिवर्सिटी और बिहार यानी तो ऑल इंडिया रिलेटेड कहे तो सारे जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, सारी यूनिवर्सिटी की जानकारी हम यहाँ पे आपको देते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अभी तक अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो डाले जाएंगे उसका लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जैसे कि भूपेन्द्र मंडल ने अपना पाठ्यक्रम जल सीमांचल जोन का जारी कर दिया है। पहले तो कोसी जोन का रिजल्ट जारी किया गया था साइंस और कॉमर्स का, अब सीमांचल जोन का भी, जैसे कि पूर्णिया प्रमंडल का जितने भी कॉलेज हैं अंतर्गत उनके आने वाले, उनका भी रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो देखेंगे दोस्तों कैसे रिजल्ट देखना है हमें। सबसे पहले यहाँ पे क्या आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि सेक्शन दिया गया, यानी कि डिग्री पाठ्यक्रम 2018 रिजल्ट, उसमें दिया सिलेक्ट कॉलेज, उसके फैकल्टी सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट कोर्स करना है, उसका यहाँ पे रोल नंबर डालना है और यहाँ पे रिजल्ट शो है। तो सबसे पहले मैं एक आपको रिजल्ट चेक करके बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे कि स्टूडेंट है उनका, जैसे कि अररिया कॉलेज है, तो वहाँ पर अररिया कॉलेज में हम जाएंगे, हम उसको क्लिक कर लेंगे, उसके यहाँ पे फैकल्टी सिलेक्ट करेंगे। तो जिनका अगर बीकॉम है तो बीकॉम सिलेक्ट करेंगे, अगर बीएससी है तो बीएससी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सिलेक्ट कोर्स, तो कोर्स सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑनर्स एक ही रहेगा ऑप्शन में। उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर डालना है, जैसे कि रोल नंबर है 3905। और यहाँ पे रिजल्ट शो करेंगे और यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ सबसे पहले तो यहाँ आपका ये आएगा हिंदी का रिजल्ट कंप्लीट सपोर्ट सब्जेक्ट में। उसके बाद यहाँ पे आएगा ऑनर्स मैथमेटिक्स, जो ऑनर्स है उसके यहाँ पे आपका पार्ट वन का रिजल्ट आएगा, पार्ट टू का रिजल्ट आएगा, पार्ट थर्ड का, जैसे कि यहाँ पार्ट टू का यानी कि क्लियर नहीं है इसलिए पार्ट टू का यहाँ रिजल्ट नहीं दिया गया है। और यहाँ पे ऑनर्स में जो है 800 में 348, यानी कि पार्ट वन और पार्ट टू मिला के 348 लाया गया है। और उधर आप देख सकते हैं कि पेंडिंग रिजल्ट जो है आपका पेंडिंग दिया गया है इसमें, तो वो पार्ट टू जब तक क्लियर नहीं होगा रिजल्ट पेंडिंग रहेगा। पेंडिंग किस किस प्रकार आ सकता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर पार्ट वन या पार्ट टू आपका क्लियर नहीं हुआ है तो रिजल्ट को पेंडिंग किया जा सकता है, या आपने कोई भी एक सब्जेक्ट एग्जाम छोड़ दिया है तो उसके बाद रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा, या आपका मार्क्स कम आ जाएगा तो उसके कारण प्रमोटेड किया जाएगा। अगर एग्जाम आपने छोड़ा है तो पेंडिंग कर दिया जाएगा। अगर आपने मार्क्स कम लाया है, यानी कि अगर दो कम से कम इसमें चाहिए आपको 180 प्लस लाना है, उससे कम आ जाएगा तो आपका रिजल्ट पेंडिंग कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे 721 नंबर है, यानी कि इनका पार्ट टू क्लियर नहीं है इसलिए इनका रिजल्ट पेंडिंग कर दिया गया है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं, अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं आर्ट्स के रिजल्ट कब आएगी। तो यहाँ पे दिया गया बेनवी द्वारा जो अपडेट दिया गया है कि बेनवी के साथ ही साथ 3 से 4 दिन के अंदर, यानी कि जोन बेनवी जोन के पूर्णिया और बेनवी दोनों जोन के साथ रिजल्ट, आर्ट्स का रिजल्ट एक साथ ही प्रकाशित कर दिया गया, यानी कि 4 से 5 दिन के अंदर इसको प्रकाशित कर दिया, इसका तैयारी यानी कि पूरा हो चुका है, बस इसको अपलोड करना है और रिजल्ट आपका प्रकाशित कर दिया जाएगा। और फ्रेंड्स आपको रिजल्ट चेक करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद रहेगा, यानी कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद रहेगा, आप वहां से जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स बीएनवी और पीयू से रिलेटेड और भी कोई जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद रहेगा। हमारा वेबसाइट है www.examstocks.com। और दोस्तों इससे रिलेटेड और भी अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी स्टूडेंट हो उनके पास ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।